bench. Assalamu alaikum ji, Rashid Latif sahab, kaise hain aap? Theek thaak hain, khairiyat se hain? Caught behind ho raha hai is waqt janab. England ne team announce ki aur jo 15 preliminary announce ki hai unhone, ye preliminary ka word maine isliye use kiya. Ian Morgan kaptan, jinka taluk Middlesex se hai, Moeen Ali, Johnny Bairstow hai is team mein shamil, Joss Butler, Tom Curran, Joe Dunley, Alex Hales, Liam Plunkett, Adil Rashid, Joe Root, Jason Roy, Ben Stokes, Chris Wokes, David Willey aur Mark Wood. Mujhe yaad nahi padta ki shayad Peter Willey World Cup khele ya nahi khele, lekin David Willey yakin hai khele honge. To ye bhi father and son ho sakta hai, lekin I don't think so. Peter Willey was never, he never played in the World Cup. Stance unka aapko yaad hai, baad mein umpire ban gaye the. So, Jofra Archer ko 16वां और 17वां अनाउंस किया जी क्रिस जॉर्डन. ये किए फॉर द सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड आयरलैंड. अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये वर्ल्ड कप में जगह बना सकते हैं, लेकिन क्रिटिक्स का ये ख्याल है कि यही 15 जो हैं ये वर्ल्ड कप ही का हिस्सा होंगे. तो जॉफ्रा आर्चर के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन है. अगर वो इंग्लैंड से डेब्यू कर गए अगेंस्ट पाकिस्तान या आयरलैंड, तो फिर वो वेस्ट इंडीज से नहीं खेल पाएंगे. अगर वो इंग्लैंड से ना खेलना चाहे, वो मैं पूछूंगा आपसे. हाँ, अगर वो इंग्लैंड से ना खेलना चाहे तो फिर वो वेस्ट इंडीज की टीम में आ सकते. सवाल ये नहीं है कि वो इंग्लैंड से खेलने जा रहे, सवाल ये है कि अगर वो वेस्ट इंडीज से खेलना चाहे अब तो क्या होगा. हाँ जी, और स्कैरेट के आने के बाद ऐसा हो सकता है. वो हो सकता है ना. हाँ, वो खेल सकता है. He can play for the West Indies. West Indies से तो खेल सकता है. तो मैं यही मशवरा देता हूँ, वेस्ट इंडीज से खेले, इंग्लैंड से बेहतर टीम बनेगी वो. You're so right, Azari, Jojo, Shannon Gabriel है उसमें. फिर वो एक तीसरे बड़े तिखे फास्ट बॉलर हैं, वो आपको बड़े पसंद हैं. आप मुझे जोफ्रा, इसमें बैट्समैन बताइएगा, चार ओपनर बैट्समैन बताइएगा इंग्लैंड की टीम में कौन कौन है. देखें, इयन मॉर्गन हो गया, ही कैन, इयन मॉर्गन तो खैर ओपन नहीं. अच्छा, आप ओपनर पूछ रहे हैं. एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय दो हो गए, और उसके बाद इसमें ऑफ कोर्स जॉनी बैरिस्टो ओपन कर सकते हैं, तीन हो गए. और जो डेनली, हाँ, ये जो डेनली, चार ओपनर. मिडिल ऑर्डर कितने हैं? मिडिल ऑर्डर अगर आप देखें तो इसमें आ जाए आप, मोइन अली हैं, जॉस बटलर हैं, टॉम करन को. एक मिनट, मोइन अली ऑफ स्पिनर समझेंगे या बैट्समैन समझेंगे? मैं बैटिंग ऑलराउंडर. बैटिंग कोई से मैच जिताया है उन्होंने आज तक? अच्छा, जो रूट है इसमें, बेन स्टोक्स मिडिल ऑर्डर में इनके, तो ठीक है. मिडिल ऑर्डर थोड़ी वीक लग रही है. नहीं नहीं यार, मिडिल ऑर्डर ही नहीं है सर, ये वही बात. इसमें चार ओपनर है, एक जो रूट है, एन मोगन है, और बाकी सारे ऑलराउंडर है, बिट एंड पीसेस हैं सारे. नहीं नहीं, बेन स्टोक्स को तो यार आप कंप्लीट ऑलराउंडर कहें ना. 2017 तक था वो, 18-19. अच्छा, फारिग, मतलब जब से सजा हुई है तो फारिग हो गए हैं. चलें, ठीक है. बॉलिंग ठीक है इनकी. मार्क वुड, डेविड विली, क्रिस वोक्स भी ऑलराउंडर है. मसला ये है कि मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं ना. एक इयन मॉर्गन है, जो रूट भी नंबर तीन पे है. जो रूट नंबर तीन पे बैटिंग करता है, उसके अलावा आप बताएं मुझे क्या है बैटिंग. ये देखे ना, एलेक्स हेल्स, रॉय दो, और जॉनी बैरिस्टो और जो डेनले. जो डेनले चार तो ओपनर है, इनमें से दो खेलेंगे. हाँ जी, ठीक हो गया. नहीं, बैरिस्टो तो खेलेगा ही खेलेगा, अगर वो ओपन ना भी करे नीचे खेलेगा. तो करते ही ओपन है ना अब तो. हाँ, ये भी है. वो तो करते क्या ही करें फिर? तो फिर क्या करें? जैसन रॉय नंबर चार पे, आपके बटलर हो गए या ये मॉर्गन हो गए. बटलर मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं. हाँ, ठीक ठीक है ना. उसके पास सारे वो तारा मंडल, ये सारे वो आधे आधे आले प्लेयर है इनके पास. मतलब के इंग्लैंड फेवरेट नहीं लग रहे आपको? इन इंग्लैंड है क्वालिटी इतनी क्रिकेट गिर गई है ना, तो ये सिलेक्शन का मैयार यही हो गया है ना कि ये भी कर. अब ये बोलेंगे हमारे पास सात बॉलर है, आठ बॉलर है, करने पांच को बोलेंगे वो भी प्रॉपर. मतलब यही है कि हर जगह यही प्रॉब्लम है. हर कोई चाह रहा है मेरे पास ये बॉलर भी आ जाए, बैट्समैन भी आ जाए, बॉलिंग भी कर, बैटिंग भी कर. हमारे पास जैसे शादाब है, बॉलिंग भी कर लेता, बैटिंग भी, बॉलिंग भी बैटिंग भी, फहीम अशरफ बॉलिंग भी बैटिंग भी, और दोनों. मतलब कि बैटिंग तो कोई करता ही नहीं हमारे यहाँ पे. बात आप सही कर रहे हो. अच्छा, मुझे राशिद एक और चीज बताएं कि आप क्रिस वोक्स पे प्रेफर नहीं करेंगे क्रिस जॉर्डन को फॉर वन डे वाइट बॉल? टी20 में क्रिस जॉर्डन बेटर प्लेयर है. अच्छा, क्योंकि पेस अगर देखी जाए आउट करने के लिए, तो इनके पास
तेज रफ्तार जो बॉलर है वो तंग है इनके पास, इंग्लैंड के पास, ये बात माने। स्पिनर भी अगर उमर को कह दो, उमर रशीद जो है, आदिल रशीद जो है, ये पूरा हाँ बॉलर है, ये अच्छा बॉलर है हाँ ये, और बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी कैप्टन के साथ, तो बहुत रिलाय करते हैं, ट्रस्ट करते हैं मॉर्गन आदिल रशीद को, आदिल पे ठीक। मुइन अली को शायद अच्छा नहीं करते, लेकिन यह है कि जरूरत पड़ने पे छठा बॉलर मुइन अली बनेगा। अच्छा अब अगर आप इनकी फास्ट बॉलिंग देखें तो उसमें मार्क वुड एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, और बाकी तो ये टॉम करन, क्रिस वोक्स, डेविड विली, बेन स्टोक्स, ये आपकी बात सही है, लियाम प्लंकेट एक जेनुइन फास्ट बॉलर है, दो मार्क जेनुइन फास्ट तेज है बिल्कुल, वॉक भी ठीक है, और बॉलर। प्लंकेट तेज बॉलर। लेकिन मार्क वुड को याद होगा क्रिस गेल ने क्या किया था उनके साथ। वो तो क्रिस गेल तो किसी के साथ, वो तो हम आउट ऑफ द बॉक्स चला हाँ जाता है ना, वो तो ये बॉक्स वाले प्लेयर है, वो आउट ऑफ द ठीक कह बॉक्स, रहे वो बॉक्स के बाहर का खेल सोचता है, बाकी सारे जिस तरह भी प्लेयर है कोचिंग सिस्टम के थ्रू खेलते हैं, क्रिस गेल को हम मवाजा नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर के साथ। हैं। अच्छा अभी काफी सारी टीम्स अनाउंस हो गई, ऑलमोस्ट सारी अनाउंस हो गई, आपको लग रहा है कि सबसे बैलेंस टीम ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस की? नहीं अभी भी देखे, अभी भी एक दो प्लेयर रह गए थे, इंडिया की टीम अभी भी इन सब में बेहतर है। ओके एक इंडिया। अच्छा वैसे आप मतलब मजाक ना समझिएगा, बांग्लादेश ने बैलेंस अच्छा रखा हुआ है टीम का। बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, जी तो रिसोर्सेज में उनका बेस्ट अवेलेबल टैलेंट आ रहा है। इनको टफ टाइम मिला था बीच में, ये अगर आप 2015 के बाद देखें, इनकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी अच्छी थी और जहां पे भी खेले होम अवे अच्छा खेले, लेकिन रिसेंटली ये न्यूजीलैंड होके आए हैं, खैर वहाँ हालात भी वो हो गए थे, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बुरी तरह हार के आए हैं, तो ये वही प्लेयर है जो अनाउंस हुए हैं। अब ये देखना है कि दूसरी टीमें बिल्डअप हो रही थी या कुछ प्रॉब्लम थी, साउथ अफ्रीका होम उनसे हारा, पाकिस्तान हारा, न्यूजीलैंड हारा, इंडिया हारा, लेकिन उसके बाद से वो चार्म नजर नहीं आया बांग्लादेश टीम का जो नजर आ रहा था 2016 तक या 17 तक आप कह सकते हैं। नहीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनलिस्ट हैं, हाँ वो बारिश वाला मैच हो गया था ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जी न्यूजीलैंड को हराया था इन्होंने, 100 कर दिया था दोनों ने, महमूदुल्लाह ने और उन्होंने जी शकीब ने। जी लेकिन अभी भी नो डाउट अच्छी टीम होगी, लेकिन मैं बहुत हाईली रेकमेंड नहीं कर सकता बांग्लादेश को न्यूजीलैंड के मुकाबले में, या पाकिस्तान, इवन श्रीलंका की टीम भी इनसे अच्छी होगी। ओके सो ओवरऑल आप इंग्लैंड की टीम से मुतमईन नहीं है? नहीं ठीक है टीम, लेकिन हम भी पुराने ख्यालात वाले लोग हैं, चार प्लेयर से वर्ल्ड कप, पांच अगर बैट्समैन से वर्ल्ड आप कप, पुराने ख्यालात वाले नहीं, आप पुराने लोग हैं। नहीं ख्याल भी पुराने हैं ना, नया तो हो गया ना, हाँ वनडे क्रिकेट में अभी कदम रख लिया हम लोगों ने, लेकिन सोच वही है ना यार कि क्या पांच प्योर बैट्समैन से वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, आपके प्योर बैट्समैन हो, प्योर बॉलर हो, एक आध बीच में अच्छा चल रहा होता है, इयान बॉथम टाइप का ना, अच्छा इमरान। मैं हिस्ट्री में नहीं लेके जा रहा, बट आपके आर्गुमेंट को काउंटर करने के लिए अगर आप 1983 की इंडिया टीम देखें तो वो भी काफी बिट्स एंड पीसेस थे। महेंद्र अमरनाथ एज ऑलराउंडर यूज हुए, रॉजर बिनी खेल रहे थे, मदन लाल खेल रहे थे, कपिल देव प्योर ऑलराउंडर थे, तो अगर आप गौर फरमाएं तो शायद रवि शास्त्री ऑलराउंडर थे उस टीम में। तो मेरे ख्याल में यशपाल शर्मा और ऊपर श्रीकांत और सुनील गवास्कर स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे। सो अगर आप ये चीज गौर, संदीप पाटिल, तो अगर आप गौर करें तो मेरा ख्याल है व्हाइट बॉल क्रिकेट में शायद ये ट्रेंड आ चुका हुआ है। वर्ल्ड देखिए वर्ल्ड कप इवेंट में दो टीम रहती हैं फेवरेट जो जीती हैं वर्ल्ड कप आज तक, जी 75-79 वेस्ट वेस्ट इंडीज, इंडीज। ठीक है, 96 और 96 और 99, 2003, 2007, 7 2015 और 1987 ऑस्ट्रेलिया, ओ नहीं 1987 ऑस्ट्रेलिया का भी ऑस्ट्रेलिया, जीती 5 दफा ऑस्ट्रेलिया 5 दफा जीता। क्या? मेरे मैम दूसरों की सुन लेते हैं, समझते हैं कि क्या बोल रहा है बंदा, थोड़ा सुन लेते हैं। अच्छा चलिए बताएं। मैंने क्या बोला कि दो टीम्स शुरू के वर्ल्ड कप फेवरेट टीम जीती है, वेस्ट इंडीज की टीम 75-79, उसके जी बाद जो फेवरेट टीम थी 1999, 2003, 2007 ऑस्ट्रेलिया जीती लगातार, उसके अलावा कोई भी फेवरेट टीम नहीं जीती, सब नीचे से आके नहीं, जीती। इंडिया 2011 में फेवरेट था यार, चलो ना यार कहाँ से फेवरेट हो गई थी यार, किधर है यार, चलो इतनी मेहनत की थी उन्होंने, चलें छोड़ें। 83, अब आ जाए, अच्छा 83 में कोई नाम निशान नहीं था कि इंडिया जीतेगा, 87 हाँ जी ऑस्ट्रेलिया का कोई नाम निशान ही नहीं था, बिल्कुल पाकिस्तान की टीम इससे बुरी टीम हो नहीं सकती, जो इंडिया की टीम थी वो बेहतर टीम, बिल्कुल। वो
83 की, पाकिस्तान में एजाज अहमद बॉलिंग कर रहा था। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वसीम अदर टीम के साथ था, उसके बाद वो नहीं खेले, इकबाल सिकंदर उसके बाद वो नहीं खेले, जाहिद फजल टीम में थे उसके बाद वो नहीं खेले, तो बहुत सारे प्लेयर उसके बाद नहीं खेले, तो बस 83 और 92 हमेशा याद रहेगा मुझे। और वैसे तो 96 में श्रीलंका कहां से फेवरेट थे, बाहर से आए थे, उसमें कह सकते हैं सेमीफाइनल में जाएगा कि उसको 4 पॉइंट तो मिल गए थे, 4 फीट हो गए, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया ने किया था, सेमीफाइनल में तुक्का लगा, फाइनल में चले गए, फाइनल में आपका टॉस का मैटर हुआ, बॉल गीली हो गई, अरविंदा डिसिल्वा ने सौ कर दिया, तो ये बात आप कह सकते हैं ना। बाकी वर्ल्ड कप में अब देखें फेवरेट, अब आपने इंग्लैंड को बोला, 99 में अगर आप देखें तो 99 में पाकिस्तान फेवरेट था, पाकिस्तान सबसे अच्छी टीम पाकिस्तान की, और सबसे अच्छा वर्ल्ड कप जो खेला है वो पाकिस्तान टीम ने खेला है, ठीक है इंडिया से हार गया था लेकिन हार गया था, नहीं बांग्लादेश से भी हार गया था नॉर्थ इंडियन शहर में, चलो वो तो उसको टेस्ट स्टेटस दिलाना था ना बाद में, हमारे पुराने भाई थे हमें दिलाना था टेस्ट स्टेटस, तो कुछ चलता है ना वो तो सिर्फ अच्छा टेस्ट स्टेटस तक के महदूद हैं आप, वैसे चलो आगे चले भाई हमारे नहीं नहीं उसके अलावा भी काफी कुछ हुआ था, एनीवेज जी हुकुम हुकुम ओके वर्ल्ड कप मुझे इतना कंपेटिटिव नजर नहीं आ रहा ये 2019 वाला, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें 75 तो चले एक्सपेरिमेंट था, 79 काफी बोरिंग हो गया ऑस्ट्रेलिया की पैकर की वजह से टीम ठीक नहीं थी, 83 चले ठीक है थोड़ा इंटरेस्टिंग था, 87 अगेन पाकिस्तान इंडिया में हुआ तो उसका एक बहुत बड़ा प्रोफाइल था, 92 बहुत जबरदस्त हुआ पहली दफा रंगीन कपड़ों में हुआ व्हाइट बॉल के साथ हुआ, 96 अगेन थोड़ा सा एंटी क्लाइमेक्स हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये मुझे वर्ल्ड कप में वो जान नजर नहीं आ रही जो आपके पहले में 2003 या 99 का वर्ल्ड कप आखिरी था जब जाम खो चुका, उसके बाद पैसा आ गया और अभी व्यूअरशिप देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड कप की होगी, चाहे सोशल मीडिया से लेके डिजिटल ऑब्वियसली कवरेज इसकी मैसिव होगी, ठीक ना, तो वो कामयाबी है, बिजनेस आ चुका है, तो वो क्रिकेट तो नहीं रही जो आप देखना चाहते थे या खिलवाना चाहते थे, जो टीम आउट हो रही है आपको अंदाजा हो रहा है जो के ये यही लड़के मोस्टली चार पांच अभी सब कॉन्टिनेंट की जो टीम अनाउंस हो रही हैं ये फर्स्ट क्लास की टीम में नहीं होते जो अपनी नेशनल टीम में जा रहे हैं, गॉड बिहाइंड गॉड बिहाइंड। God bless you.